watching MotoGP official and it is the review video of MotoGP 8 Power Lite and in this video मैं आपको बताता चलूंगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है. इसको मैंने थोड़ी देर यूज भी किया है और आई लाइक इट वेरी मच. और आपको पता है कि Motorola की सबसे अच्छी चीज, मैं हर वीडियो में एक अच्छी चीज बताता हूं, उनकी सबसे अच्छी चीज होती है ICC. दे हैव द बेस्ट ICs इन द वर्ल्ड और जो कि हमारे लोग ऑब्जर्व भी करते हैं कि Motorola के फोन खराब होते हैं. फोन को ऑन करने से पहले, अंदर जाने से पहले मैं आपको सिर्फ और चीज़ें बता दूं. 6.5 इंच की स्क्रीन है और यू कैन सी ओवर हियर वॉल्यूम रॉकर के नीचे यहाँ पे टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन बटन दिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि 16 मेगापिक्सल का कैमरा विद वर्ल्ड वाइड एंड अल्ट्रा वाइड लेंस इनसाइड विद मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर. सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे इन्होंने स्पीकर और फ्रंट पे दिया हुआ है, बट आई डोंट लाइक कि स्पीकर आप अगर फ़ोन को यूँ रखें तो आपका स्पीकर क्लोज होगा, सो इट इज़ लिटल बिट अनोइंग. अगर स्पीकर यहाँ पे दे देते तो बहुत अच्छा था. माइक इज़ ओवर हियर एंड 2.0 USB ओवर हियर. और सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने दिया हुआ जी हेडफोन जैक, जो कि Motorola के Z2 और Z सीरीज़ में नहीं मिल रहा था हमें. अब जाते हैं कि कैमरा, फ्रंट कैमरा के ऊपर. फ्रंट कैमरा इज़ आउट ऑफ 8 megapixel 1080 की रिकॉर्डिंग के साथ. अब जाते हैं जी अंदर और आपको दिखाते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर एंड एवरीथिंग इनसाइड द फोन. तो इसकी GPU और प्रोसेसर के बारे में आपको बताता चलूं गाइस. GPU इज GR8320 जो कि हीलियो P35 के साथ आता है. अगर आप इसके परफॉर्मेंस के बारे में मुझसे पूछना चाहें तो अगर आप लाइट गेमिंग करना चाहें तो यू कैन प्ले अ गेम वेरी वेल, क्योंकि P35 की जो सीरीज़ है वो इज़ लिटिल बिट गुड. और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ख़राब है गेमिंग के लिए, आप गेमिंग भी इस पर अच्छी खासी कर सकते हैं. एंड द रैम एंड रोम इज़ 4GB एंड 64GB. और आपको बता दूँ रैम एंड रोम इसकी 64GB और 4GB में आती है. और अगर आप 128 लेना चाहें मे बी इट इज़ डिफरेंट. एंड इफ़ यू गो ऑन टू द फिंगरप्रिंट सेंसर, लेट्स टेस्ट इट आउट और देखते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर हमें किस तरह का मिलता है. सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर का कैसा काम करता है. बैक पे फिंगरप्रिंट सेंसर है और आप देख सकते हैं कि मैंने ऑन किया हुआ जी फिंगरप्रिंट सेंसर और लेट्स सी नाउ हाउ इट वर्क्स. And I'm gonna tell you that this is the Google fingerprint sensor and it's quite working well. और बीच में थोड़ा सा ये कह रहा है कि re-enter your fingerprint, but it's quite working very well. ठीक है जी, done and let's see how it works. It's good. Fast fingerprint है, बिल्कुल ही लैग नहीं कर रहा. 3 बार मैंने ट्राई किया. अब आपको लेके चलते हैं कि कैमरे के ऊपर, उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स में बताते हैं अबाउट द बैटरी एंड एवरीथिंग. So guys, before going to the camera, I'm going to tell you about the battery. The battery is 5000 mAh and बेहतरीन battery इन्होंने दी हुई है. चार्जिंग की आपको कोई टेंशन नहीं है. And the Helio P35 is also good now for the battery purpose. और ये आप देख सकते हैं कैमरे की परफॉर्मेंस. मैं अभी आपको पिक्चर लेके दिखाता हूँ. ये मेरे सामने ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन है. सो ग्रीन एंड रेड के कॉम्बिनेशन में कैमराज चेक किए जाते हैं. एंड इफ आई टेक अ पिक्चर एंड इफ आई गो टू द कैमरा एंड फोटो. अच्छा, मैं आपको पिक्चर के बारे में साफ साफ बता दूं, मैं किसी की कोई मुखालफत नहीं कर रहा. आई डोंट लाइक द पिक्चर क्वालिटी एट ऑल, क्योंकि जो पिक्चराइजिंग है और जो पिक्सल मिक्सिंग है, जो मैं आपको पिछले वीडियोज में बता चुका हूं कि क्या चीज़ होती है, वो इसमें नज़र नहीं आ रही. एंड ऑटो फोकस का जो सिनेरियो है यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिल रहा. बेशक ये आप देख सकते हैं, मैं दोबारा पिक्चर लेके एक दफ़ा चेक करता हूँ. मे बी आई एम रॉन्ग, बट इफ आई गो टू द पिक्चर एंड आई ज़ूम इट, सो दिस पिक्चर इज़ क्वाइट बेटर दैन द प्रीवियस वन एंड आई लाइक इट वेरी मच. क्योंकि पिछले वाले में पिक्चर मिक्सिंग मुझे बहुत कम मिल रहा था साइडों पर. अब इसने रेड नीचे वाले जो पोर्शन में रेडिश जो पिक्चर्स दिखाई हैं, ये आपको शायद कैमरा क्लियरली दिखा रहा होगा. ऊपर थोड़ी वाइटिश है और नीचे थोड़ी ब्लैकिश है. सो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि सही नहीं है. बट ओवरऑल इफ़ यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ द फोटोग्राफी, यू कैन टेक दिस फोन and a good price range. और इसके price range के बारे में मैं आपको बताऊँगा in Pakistan आपको कितने का मिलना चाहिए. PTA approved, non approved, everything. And front camera is at of 8 megapixel. और front camera की testing करते हैं और front camera आपको बताते हैं कि किस तरह का front camera देखने को मिलता है. सो गाइस, फ्रंट कैमरा मुझे देखने को तो बहुत प्यारा मिल रहा है, बट इट्स टेकिंग पिक्चर और ये थोड़ी सी लाइटनिंग का जो फैक्टर है वो बहुत अच्छा ये दे रहा है फ्रंट कैमरा. एंड मैं दो पिक्चर आपको लेके दिखाता हूँ.
और लेट्स सी कि पिक्चर ये कैसे लेता है। ठीक है, तो आपको पता है कि मैं हमेशा रिव्यू में अपने कैमरे से ही पिक्चर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि पिक्चर की क्वालिटी किस तरह की है। और फ्रंट कैमरे की, जो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पिक्चर इसने अच्छी ली है, बुरी नहीं ली। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो मेरे फेस के ऊपर जो डॉट्स और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इसको फोकस करने चाहिए थे, वो इधर थोड़े से मिसिंग है। बट फ्रंट कैमरा इज़ गुड, बैक कैमरा इज़ ऑल्सो गुड। मैंने एक और पिक्चर ली थी, अभी मैं आपको एक और पिक्चर बैक कैमरे की लेके दिखाता हूँ और इसमें क्या चीज़ आ रही है, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। अगर मैं क्लोज रेंज में बिल्कुल फोकस करके पिक्चर लूँ, अगर मैं क्लोज रेंज में इसकी पिक्चर लेता हूँ, तो ये मुझे पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। बट अगर थोड़ा सा मैं पीछे हट के ग्रीन एंड रेड का कम्बिनेशन देता हूँ, तो पिक्चर में थोड़ी सी मिसिंग आ रही है पिक्चराइजेशन की। एंड इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, एंड आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई विल टेल यू अबाउट द GCam ऐप दैट इज गोना बी अ बेस्ट फॉर दिस पिक्चराइजिंग। तो गाइस, दिस वाज द फोन मोटो G8 पावर लाइट, और आपने देखा कि रिव्यू कैसा था और किस तरह का था, चीज़ें क्या थी इसके अंदर। अनबॉक्सिंग की वीडियो अलग है, यू कैन गो टू दैट वीडियो फॉर द अनबॉक्सिंग पर्पस। अच्छा, इसकी प्राइस रेंज के बारे में बता दूं, इन पाकिस्तान आपको ये पढ़ना चाहिए 22 to 25, मैक्सिमम 22 to 25। अगर आप खरीदते हैं इन पाकिस्तान तो आपको 22 से 25 की रेंज में ये मिल जाना चाहिए, डब्बा पैक मिलना चाहिए और आप पैक खुद खोलेंगे अपने हाथ से। और ये डेक सेट का आपको ये वारंटी कार्ड आपको मिलना चाहिए लिखा। So this was the phone guys I was talking about. Don't forget to like and subscribe our special official. Stay blessed.